दोस्तों फैक्ट्सपीडिया में आपका स्वागत है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ने सबसे तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है तो वो चाइना है। 13.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना की ग्रोथ का यह पहिया थोड़ा धीमा होता नजर आ रहा है। चाइना की ग्रोथ को जहां अमेरिका जैसे देश टक्कर नहीं दे पा रहे थे, वहीं एक वायरस जो कि बहुत ही घातक है बिल्कुल से इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक दिया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इस वायरस का चाइना और दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है और साथ ही भारत पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा निर्भर करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, फिर चाहे वो कार हो, फोन हो, कंज्यूमर गुड्स हो या फिर कुछ और। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द रखी हुई कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिल जाएगी जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना। कोरोना वायरस की जहां से शुरुआत हुई थी, अगर हम उस वुहान सिटी की बात करें तो यह शहर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का हब है जहाँ गाड़ियों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। यही नहीं, चाइना की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से 2 केवल वुहान में ही है। फॉरेन कंपनियों के लिहाज से यह शहर काफ़ी अहम है। DHL रेजिलियंस 360 इंडेक्स की माने तो वुहान में 50% मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी है और 25% टेक्नोलॉजी से। कोरोना वायरस की वजह से चाइना की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। नए साल की शुरुआत में जहाँ यह शहर टूरिस्टों का होता था, वहीं इस बार ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस ने चाइना के लिए अपनी ज़्यादातर फ्लाइट को बंद कर रखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में टूरिस्टों की संख्या में अब 100% की गिरावट हो चुकी है। वहीं कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो चाइना में कंज्यूमर गुड्स पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक गुड्स की बात करें तो वायरस की वजह से इस पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। अब बात करते हैं चाइना के ग्रोथ रेट की। बीजिंग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में चाइना की GDP ग्रोथ रेट 6% रहा था। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के बाद इसके और भी बेहतर होने की गुंजाइश थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल भी खराब रहने की उम्मीद है। ग्लोबल कंपनियों की बात करें तो कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो चाइना सप्लाई चेन का यूज़ करती हैं। अगर एप्पल को ही देख लें तो एप्पल के 800 से ज़्यादा ग्लोबल सप्लायर्स हैं जिनमें से 290 केवल चाइना में ही हैं। दुनिया में बनने वाले टीवी में से 9% चाइना में ही बनाई जाती हैं। यूरोप और अमेरिका में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पहले से ही शॉर्टेज होने की बात कर रही थी। वहीं अगर हम हुंडई की बात करें तो इस कंपनी ने चाइना से आने वाले स्पेयर पार्ट्स में कमी के चलते साउथ कोरिया में अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी GMC यानी जनरल मोटर ने भी अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। दोस्तों अगर हम बात जापान की करें तो चाइना जापान की मशीनरी यानी कार ट्रक टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा खरीदार रहा है। तो ऐसे में चाइना में कोरोना वायरस से हो रही दिक्कतों के चलते जापान में भी बिजनेस और इकोनॉमी पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा है। अब सबसे अहम सवाल, यदि हम भारत की बात करें तो भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स आदि चाइना से ही इम्पोर्ट करता रहा है। चाइना में बन रही स्थिति के चलते इनके दाम बढ़ने की काफ़ी उम्मीद की जा रही है, जिससे पहले से ही दिक्कतों में चल रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और गहरा असर पड़ने की गुंजाइश है। और भारत के टूरिज्म पर भी इसका काफ़ी गहरा असर पड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि 2019 में भारत आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या 3.12 थी जो कि अब बिल्कुल से ही रोक दी गई है। चाइना भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। साल 2019 में कुल इम्पोर्ट्स में से 14% इम्पोर्ट्स चाइना से ही किया गया था। वहीं कुल एक्सपोर्ट्स में से 5% एक्सपोर्ट्स चाइना से किया गया था। और इस स्थिति के चलते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के फिगर्स में भी काफ़ी कमी आने की आशंका है। यही नहीं, भारत की डायमंड इंडस्ट्री का भी इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। रही बात चाइना से आने वाले मोबाइल फोन्स की, तो इनकी भी शॉर्टेज हो सकती है जिससे कि इनके दाम बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश भी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक कदम जागरूकता की ओर। जय हिंद, जय मां भारती।